Okay, coefficient in the expansion of 1 plus x power n. Okay, so ye sab jo c0 aur c1 ye sab 1 plus x power n ke expansion mein coefficient hai, to iski value simple hai, upar n n plus 1 hai, we know ki iske sath to xn hota hai, n plus 1 hai to integration kiya hai isne, so 1 plus xn is nc0 plus nc1x, so on ncn xn, aisa hota hai. अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देते हैं, लेट अस पुट लिमिट 0 टू 1, 0 टू 1 हमने इसमें लिमिट इसलिए पुट कर दी ताकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ये क्या हो जाएगा 1 plus x की पावर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1 फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है, ये क्या आएगा c0 plus c1 x square by 2, so on cn x n plus 1 divided by n plus 1, इसमें भी लिमिट 0 to 1, अब 1 करेंगे तो x को 1 किया, plus 1 minus when x is 0, 1 divided by n plus 1, यहां पे जब x 0 होगा, अच्छा यहां पे x आएगा, x 0 तो सब 0 जाएगा, 1 पे इसकी वैल्यू simply जो है cn divided by n plus 1, यही तो हमें पूछा गया, so this is our answer, 2 raised to power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1, okay, so this is the answer. Next question, the value of the integral, okay, वैसे answer देख के भी समझ सकते हैं कि sin x by x दिया हुआ है options में, ठीक है, so इसका मतलब हो गया कि भी sin x by x को t assume कर लेते हैं, x square x cos x minus sin x by cos, okay, ये term तो पूरा यही है, so basically this is dt, so t raised to 6 dt is, that is nothing but t 7 by 7 plus t, t क्या है sin x by x, so 7, this is done, ठीक है, बहुत आसान था, बस click होना चाहिए. If the difference between the number of subset of two set A and B is this, okay, number of, okay, let us assume ki number of elements set A mein n1 hai aur set B mein n2 hai, to kisi bhi set, koi bhi set diya hua hai, agar usme n element hai aise, to uske subset kya ho sakte hai, null ho sakta hai, a1 हो सकता है, इस टाइप के बहुत से, तो ये टोटल 2 raised to power, अगर यहाँ n है तो n होंगे, तो इसके सेट नंबर ऑफ सेट्स के सबसेट्स कितने होंगे, a के 2 raised to power n1, ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b कितने होंगे, 2 power n2, तो 2 power n1 minus 2 power n2 का जो डिफरेंस है वो 120 दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, ओके, अगर a में एलिमेंट n1 है, b में एलिमेंट 2 है, तो इसमें कितने होंगे, n1 n2 होंगे, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लो a हमारे पास 0 1 है एंड b हमारे पास 2 3 4 है, तो a क्रॉस b क्या होगा, 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4, ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 6, सो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स a के और b के दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, सो अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n है, तो mn होगा एक उस, सो v आस्क कि n1 y n2 क्या होगा, सो ये तो हिट एंड ट्रायल से ही होगा, 120 सिंपल ऐसे होना चाहिए कि वी नो कि 128 आता है, 2 की पावर में 8 भी आता है, इसका डिफरेंस जो 120 है, इसका मतलब 120, ये तो 2 raised to 7 होता है, ये 2 raised to 3 होता है, means 2 raised to 7 minus 2 raised to 3 is 120, so n1 is 7, n2 is 3, so n1 n2 क्या होगा, 21, okay, आसान है, बस set and trial method use करना है, इसको solve करने के लिए, इसका और कोई तरीका हो नहीं सकता, okay, let us take next question.
The function f with domain 0 to 7 and range 0 to 17. Okay, CA 111 to dekhna. Okay, fx is given as x cube minus 12x square plus 45x. अच्छा 1 1 चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं. कि 1 1 होगा तो मोनोटोनिसिटी देखने के लिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45. लेट अस टेक 3 आउट. सो ये होगा 8 प्लस 15 दैट इज 5 इंटू 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3. ठीक है, अब 0 टू 7 हमारे पास दिया हुआ है इसका डोमेन. सो 0 एंड दिस इज 7, 3 5 यहाँ गई होगा. सो ये तो 5 और 3 यहाँ पे ही नेचर चेंज करेगा, मीन्स लाइक 3 टू 5 के बीच में तो ये डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से 3 के इंक्रीजिंग होगा, इधर इंक्रीजिंग होगा. सो ये तो नेचर चेंज कर रहे हैं. सो 1 1 1 तो ये नहीं है. ठीक है, देन ऑनटो में देखना है. अब ऑनटो में देखो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है. ठीक है, वो 3 से 5 तक डिक्रीज कर रहा है, फिर 5 के बाद इंक्रीज कर रहा है ऐसा. सो हमें इसकी फर्स्ट थिंग तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी. अच्छा ये 0 से है, 0 पे 0 है, इधर तो ग्राफ ही नहीं है, 0 के बाद ही है. सो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में देखना है कि 70 है कि नहीं, कंटिन्यूस फंक्शन है. अगर मैक्सिमम वैल्यू 70 है देन इट विल टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 70. तो हमें इसका 3 पे चेक कर लेना है, 5 पे चेक कर लेना, जरूरी नहीं है ना ये 5 जो है, और 7 पे चेक कर लेना. 3 क्या होगा, एफ 3 इज 3 क्यूब माइनस 2, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 45 इंटू 3, ये आएगा 27 माइनस 108 प्लस 15 13. सो दिस इज लाइक 27 108 क्या होएगा 7 एंड 2, दिस इज 54. ओके, ऐसे ही वी कैन चेक, 7 पे चेक करते हैं क्योंकि इंक्रीज करेगा 5 से तो 7 पे वैल्यू ज़्यादा ही होगी, तो 5 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 7 पे कर लेते हैं. व्हाट इज 7, लेफ्ट 7, 7 क्यूब माइनस 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 45 इंटू 7. ठीक है, ये हो गया 7 स्क्वायर, बाहर ले लो, 7 माइनस 12 इज माइनस 5 प्लस 45 इंटू 7, यहाँ से 7 बाहर ले लो, माइनस 35 प्लस 45, दिस इज 70. ओके, सो इसकी मैक्सिमम 70 है, मीन्स मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 70 प्लस द फंक्शन इज पॉलीनोमियल सो इट इज कंटिन्यूस. सो दैट मैक्स की जो इसकी जो रेंज होगी वो इसकी कोडोमेन के इक्वल है. ओके, सो ये ऑनटो तो हो गया. सो दिस इज एन ऑनटो फंक्शन. ऑनटो है ये, पर 1 1 नहीं है, मीन्स 1 1 नहीं है, मीन्स मैनी 1 है, ऑनटो. सो आंसर इज बी. ठीक है, समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव. The area of the region bounded by y square equals to 2x and x square plus y square less than 2x plus first quadrant में, because x and y both are positive. So graph load कर लेते हैं इसका. y square equals to 2x, तो y ये तो parabola इस type कुछ होगा. y square equals to 2x. दूसरा curve हमें दिया है x square y square minus 4x is less than equals to 0. अगर 0 लेके इसको पहले तो हम x माइनस 1 टू स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऐसा लिख सकते हैं. एक्चुअली हमें ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 4. ठीक है, सो y स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन, सो ये आउटर होगा. हमें गिवन है कि y स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पोर्शन लेना, सो आउटर पोर्शन लेना होगा. अब ये सर्कल है 2, 0 इसका सेंटर होगा. ओके, और ये 0 0 से तो पास हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा ये. ठीक है, अभी ये तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे, बिकॉज हमें कुछ पॉजिटिव एक्स वाई में देखना है.
So this is the our area. इस दोनों का ओके भी ये बाउंडेड एरिया ठीक है. तो अच्छा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स जीरो एंड वाई स्क्वायर इज टू एक्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स इक्व टू जीरो. सो एक्स इज इक्व टू जीरो और टू. सो दिस इज जीरो एंड दिस इज टू ठीक है. सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी ऊपर वाला का वाई टू माइनस वाई वन dx x varies from 0 to what is y2. y2 is 4x minus x square ka root minus y1. What is y1? Root 2x. Okay, iska integration kar do 0 se 2 ke beech. So that's it. Ab isko solve kar lo. Okay, 4x minus x square. So isko we can write minus x minus 2 square 4 minus aisa likh sakte hain. 4 minus x square plus 4x plus 4 theek hai. We can write it like this 2x dx from 0 to ठीक है. अब इसको ये तो x माइनस टू को अगर हम t एज्यूम कर दें फर्स्ट इंटीग्रेशन में, तो जब x जीरो होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा और जब x टू होगा तो ये जीरो हो जाएगा एंड दिस विल बी फोर माइनस टी स्क्वायर टी टी माइनस रूट टू एक्स रूट एक्स क्या हो जाएगा थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू जीरो से टू. ओके नाउ इसका इसमें ये फॉर्मूला यूज करो रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है. दिस इज नथिंग बट एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ये होता है. यहाँ पे एक की जगह टू है सो एक की जगह टू पुट कर देंगे और लिमिट पुट कर दो जीरो टू माइनस टू टू जीरो. सो जीरो पे तो ये जीरो हो गया माइनस टू पे क्या हो जाएगा माइनस टू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे ए टू है तो ये भी जीरो हो गया. यहाँ ये क्या हो जाएगा फोर डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स माइनस टू डिवाइड बाई टू सो माइनस फाइव बाई टू ठीक है. ये हो गया किस पे माइनस टू पे बट माइनस है. सो दिस विल बी फाइव ठीक है. सो आवर आंसर विल बी फाइव माइनस ये वाला पोर्शन ये क्या है रूट टू इंटू टू बाई थ्री इंटू टू रूट टू ये कितना हो गया एट बाई थ्री ठीक है. सो डी का आंसर ठीक है समझ में आ गया आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके लिमिट ओके लिमिट तो आसानी होगा. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रो साइन फाइव एक्स प्लस कोस फाइव एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स. अच्छा लॉग आ गया सो ये टर्म तो दिस इज जीरो दिस इज वन. सो वॉट विल डू हमें इसको वन प्लस एक्स के फॉर्म में लाना या वन प्लस कर दो तो माइनस वन भी करना पड़ेगा. नाउ दिस टर्म इज अप्रोचिंग टूअर्ड जीरो व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर इस पूरे टर्म को वी से टी तो ये क्या हो जाएगा लोग वन प्लस टी वेट टी इज अप्रोचिंग टूअर्ड जीरो. सो इसको चाहिए टी एन वे टू मल्टीप्लाई बाई टी एन लिमिट टी टेंस टू जीरो ठीक है. सो ये चीज़ तो हो जाएगी वन this limit is 1. So this basically limit x tends to 0. यहाँ पे t क्या है t is nothing but sin 5x plus cos 5x minus 1 ठीक है divided by tan 3x ये रह गया into limit x tends to 0 this log 1 plus t divided by t where t is this term ठीक है. So ये तो 1 हो जाएगा let us put it to 1. So now see now this is 0 by 0 form
या तो वो एल हॉस्पिटल वी कैन यूज डायरेक्टली अप्लाई एल हॉस्पिटल. सो 5 cos 5x -5 sin 5x डिवाइड बाई 3 sec² 3x. अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करो, ये तो 1 हो गया. सो ये 5 -0 डिवाइड बाई 3, सो 5/3 इज द आंसर. ठीक है. अच्छा, इसमें यहाँ पे 1 पुट किया मैंने, ये पर हम तभी कर सकते हैं जब ये जो लिमिट है, जैसे ये यहाँ पे हमारे इसको से L1, ये L1 थी, इंटू L1 आएगा एंड में. अब ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है एंड दिस ऑल्सो एग्जिस्टिंग, देन ओनली वी कैन पुट दिस 1. अगर ये लिमिट मान लो इन्फिनिटी आ जा रही होती तो इसको L1 को हम लोग 1 नहीं पुट कर सकते. ठीक है. सो नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर इज द लाइंस आर कंकरेंट. सो कंकरेंसी की कंडीशन लगा दो, लाइंस गिवन आर कंकरेंट. ठीक है. सो कंकरेंसी कंडीशन क्या होती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की वैल्यू का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. पी 2 1 4 2 p 7, ये सब कोएफिशिएंट एक्स एंड वाई के, इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 14 + 2p माइनस, अरे एक्स नहीं है, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो एक्स वाई ऑप्शन 1 है. सो दिस इज 1, दिस इज अगेन 1. सो दिस इज 7p माइनस 4 माइनस 1 2p² माइनस 8. ठीक है. ये कितना हो गया, 14 + 2p - 7p + 4 - 2p² + 8 = 0. ओके. सो लेट अस, ये हो गया -5p, 14 4 18 + 8 26, और ये हो गया -2p², सो दिस इज 2p² + 5p - 26 = 0. ठीक है. अब इसके रूट, क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट होंगे, बट हमें ये मीन्स यहाँ से वी कैन से फ्रॉम दिस वी कैन से दैट पी की दो वैल्यूज होगी. ठीक है. बट व्हाट इफ पी की कोई वैसी वैल्यू है जिसमें दो ये जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाए, तब तो कंकरेंट नहीं हो सकती ना. सो हमें वो देखना पड़ेगा, इसका आंसर या तो 2 हो गया 1, सो उसके लिए हमें इसके रूट देखने पड़ेंगे. या एक तरीका है कि हम ऐसा कर सकते हैं, रूट नहीं निकालना हो तो जो लाइंस है, फर्स्ट लाइन के कोएफिशिएंट 1 और ये -1 है, सेकंड के पी है 2 और 1 है. ठीक है. तो इससे देखें तो पी जो है वो 2 और p - 1 4, p/4, 2/2p and 1/7, ये करें तो यहाँ से क्या आएगा, p = 2. सो p = 2 अगर इसमें वैल्यू है तो वो इसको हमने लेंगे. 2 क्या होगा, 4 + 10 - 26 नहीं है, सो इसकी आ जाएगी 2 वैल्यूज. ठीक है. ये 15th क्वेश्चन. ओके. इफ y इक्वल्स टू x देन द वैल्यू ऑफ दिस dy √1 + y^4 + dx/1 + x^4, where y इक्वल्स टू 1/x, dy क्या होगी, -1/x². सो पुट कर दो -1/x² dy dx dx डिवाइड बाई 1 + 1/x^4, ये क्या हो जाएगा, -dx/x^4 + 1 का रूट x² कट जाए, दे आर सेम, सो देयर सम विल बी 0. तो बहुत आसान था. इसके बाद ओके, वी आर गिवन अ सर्कल, ठीक
है, उसमें देर इज पॉइंट पी 3,3, वहाँ से भी लॉस टू ड्रो टू कॉर्ड्स, ठीक है, जिनकी लेंथ 2 है। ओके, देन वैल्यू क्यू क्यू पी आर, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये आइसोसेस ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा और ये इसके सेंटर से पास होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग प्लस दिस विल बी थीटा बाई 2, ठीक है, अगर इसको सेंटर से मिल, अगर हम लोग इसको सेंटर से मिलाते हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस की वैल्यू क्या है इसकी? दिस इज 0,0, रेडियस इज √18, ठीक है। सो √18 एंड √18, यहाँ से कोस थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये ट्रायंगल है, इसको ले लेते हैं बाहर, ये है पी, ये है क्यू, ये है ओ, दिस इज √18, दिस इज √18, दिस इज 2 एंड दिस इज थीटा बाई 2। सो कोसाइन रूल लगा दो, कोस थीटा बाई 2 क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 4 + 18 माइनस 18 स्क्वायर बाई 2 AB, 2√18, 18 से 18 गया, 4 से 4 गया, ये आएगा 1/√18, ये हो गया कोस थीटा बाई 2। हमें पूछा गया क्यू पी आर, वो तो थीटा है, सो वी आर आस्क कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा क्या होगा? 2 cos² θ/2 माइनस का वैल्यू पुट कर दो, ये 1/8 माइनस 1, 1/9 माइनस 1, सो ये -8/9, आसान है। ओके, सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच कट्स द पैराबोला y²/4x ऑर्थोगोनली हैविंग द सेम एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। ओके, सो लेटर रेक्टम 8b है, तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि लेटस रेक्टम तो सभी में अप्लाई किया है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करनी है, अगर दो पैराबोलास है और उनका एक्सिस सेम है तो वो ऑर्थोगोनल तभी हो सकते हैं, दे कैन बी ऑर्थोगोनल ओनली व्हेन देयर फोकस इज सेम, ठीक है, ये नोट लिख लो, ठीक है। Parabolas with same axis cut each other orthogonally when their focus is same, ठीक है। So कौन फोकल जो पैराबोलास होते हैं वो अब दे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, दिस इज कंडीशन ओनली व्हेन देयर एक्सिस इज सेम। अगर एक्सिस मान लो इसका एक्स एक्सिस है, उसका वाई है, तब तो पर तो ऑर्थोगोनल कट करेगा बहुत से और पॉइंट्स पे, ठीक है। उसकी कंडीशन तो ये है, जैसे अगर हम लोग इसको और अच्छे से देखें, अगर मान लो एक्सिस सेम नहीं है, एक ऐसा है, तो ऐसा भी कुछ ऑर्थोगोनल पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट पे भी ऑर्थोगोनलिटी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऑर्थोगोनल कट करें, दो पॉइंट पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऑर्थोगोनल कट करें, तो चार पॉइंट पे भी ऑर्थोगोनल कट कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप कट करें, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तीन पॉइंट पे ऑर्थोगोनल। तो अगर एक्सिस सेम नहीं है तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 इतने पॉइंट्स है जहाँ पे मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 9 पॉइंट्स ऑर्थोगोनली कट कर सकता है। बट इस क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट दे आर हैविंग सेम एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में तो सिर्फ एक ही कंडीशन, ठीक है, ऐसे केस में तभी पैराबोलाज ऑर्थोगोनल होते हैं व्हेन दे हैव सेम फोकस। इसको और अच्छे से समझना हो तो ऐसे मान लो वी हैव अ पैराबोला y²=ax + a² and another parabola is y²=−bx + b², ठीक है। अब इन दोनों का एक्सिस तो सेम है, ठीक है, सो
they are orthogonal, ठीक है, to each other, क्योंकि इनके focus दोनों के 0-0 है, इसका focus भी 0-0 है, 0-0, और इनके जो intersection point होगा, वो क्या होगा, that will be b minus a by 2 and root ab plus minus, दो जगह है ना, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब तो ये आसान है, ठीक है, so, okay, let us see, अब इसमें हमें क्या है, y square equals to 4bx दिया हुआ, तो इसका orthogonal जिसका axis same है वो क्या होगा, इसकी जो latest rectum की length है वो 4a है, वो 8b दी हुई है, so हो जाएगा 8b, पर ये minus आएगा 8b x minus let us say some theta इस form में होगा या minus क्यों आएगा because orthogonal तभी होंगे जब when they will face opposite, ठीक है, अब इसमें मैं देखना है कि focus same है, अब इसका focus क्या है, जो original parabola इसका focus क्या है, this focus is b comma 0 and इसका focus क्या है, इसका फोकस क्या होगा, ये इस टाइप पे बोला है, तो इसका फोकस क्या होगा, माइनस ए कॉमा जीरो, और इसमें 4a इज इक्वल टू 8b, तो a क्या हो जाएगा 2b, तो इसका फोकस मींस x माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2b, y तो 0 है, ठीक है, अब x क्या है, x इक्वल टू क्या आएगा, थीटा माइनस 2b, बट ये b होना चाहिए बिकॉज फोकस सेम है, सो थीटा इक्वल्स टू 3b, सो इसमें क्या आंसर आएगा, a माइनस 8b x माइनस 3 थीटा, ठीक है, आई होप समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखो, इट विल बी यूजफुल, इनफैक्ट एडवांस में भी ये यूज हो सकता है, इफ समेशन xi minus 6 equals to 5, okay, we are asked कि जो standard deviation होगा 3xi plus 2 वो क्या होगा, ठीक है, i varies from 1 to 5 और हमें given है summation xi minus 6, summation xi minus 6 का whole square is 25, so let us assume xi minus 6 ti, then 3xi plus 2 kya ho jayega, 3xi is ti plus 6 plus 2, so this will be 3ti plus 1820, theek hai, so hume chahiye standard deviation sigma of 3ti plus 20, and we know ki kisi bhi variable mein agar constant add kar do तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दिस इज इक्वल टू 3ti, अगेन इसको वी कैन राइट 3 पावर आ जाएगा, ठीक है, सो बेसिकली हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ti, वो क्या होता है, रूट ऑफ समेशन ti स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन ti बाय n का स्क्वायर, ठीक है, so let us put values, summation ti का square कितना, summation ti नहीं, हाँ ti का square is this, summation ti का square, ti का square, ठीक है, that is 25, n is 5, minus summation ti is 5 divided by 5 is 1, square is 1, then this is 4, ठीक है, so summation हमें क्या पूछा गया था, standard deviation of 3ti plus 20, वो क्या आ रहा था, 3 times standard deviation of ti, इसका क्या, ये 4 का root कितना है, 2, 6 is 1, ठीक है,
So let us take next question. If the image of point in the plane measured parallel to the line is Q. Okay, this is our plane. Here point P have plus 1, minus 2, comma 3. Here this is your plane 2x plus 3y minus 4z plus 22 equals to 0. Okay, is key distance a line hai. What is this line? 20 से डिवाइड कर दो इसको. दिस इज लाइन. इसकी डायरेक्शन क्या है? 1, 4, 5. इसके पैरेलल ये इस प्लेन को Q पर मिलता है. PQ स्क्वायर कुछ है, सिंपल है. इस लाइन की इक्वेशन वी कैन राइट x माइनस 1 y प्लस 2 z माइनस 3. और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन रेशियो इज 1, 4 एंड 5. Let us say some r, ये हमारा q point है, so q will be r plus 1 comma 4 r minus 2 comma 5 r plus 3. Okay, ये point is plane पे लाइक रहेगा, so इसको satisfy करोगे plus 3 y 4 r minus 2 minus 4 z क्या है, 5 r plus 1 r plus 3 plus 22 equals to 0. Yeah, so you can get r 2r plus 12r 14r 14r minus 20r 14 minus 20 is 6r. Okay, 2 minus 6 is minus 4 minus 4 and minus 12 is minus 16, so minus 16 is plus 6. Now say r are 1. So if we put r equals to 1, then what is q? PQ kya hogi? PQ is r square plus 4r ka whole square plus 5r ka whole square ka. PQ ka square hi chahiye hame, so r square dobara gaya. 1 plus 16 plus 25. R square to 1 hai, ye kitna hai? 17 plus 25. 42 is answer. Okay. I hope कुछ calculation is there नहीं है सर. Now next question. 10 6 20 3 10 4 20 plus. Okay. So 10 20 है तो 20 से हम we can go to 60. So if we multiply 3 by 20 then we have 60. ठीक है. So let us take 20 as theta. Then 3 theta will be 60. ठीक है. अब इसको 10 3 theta लिखो. 10 3 theta 10 60 is root. 10 3 theta क्या होगा? 3 c 1 10 theta minus 3 c 3 10 q theta divided by 3 c 0 minus 3 c 1 3 c 2 10 square theta. बस तो ये हो गया, that should be root 3. इसको solve करो. 3 tan theta minus 10 cube theta is equals to root 3 1 minus 3 tan square theta. ठीक है, तो इसमें power 6 आ रही है तो square कर लेते हो रे. वैसे भी root 3 होता ना. So 9 tan square theta plus 10 6 theta minus 6 tan 4 theta equals to 3 1 plus 9 tan 4 theta minus 6 tan square theta. So now let us rearrange 10 6 theta minus 6 10 4 theta यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, so 27, so minus 33,
10 square theta, 9 minus 18 is equal to 9 plus 18 is 27, 10 square theta, that is equal to 3. Now, what is the इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर दैट इज 3, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, सो 7 इज द आंसर। आसान है, बस क्लिक करना चाहिए था कि 20 को वैसे भी इफ यू सी तो 60 है जो इसका इसकी वैल्यू अपन लेके हम जा सकते हैं 60 को। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Even function is continuous at x equals to 4, then value 1 by ab. If it is continuous, then left hand limit has to be equal to right hand limit, left hand limit यहाँ पे आएगी। अगर हम 4 को इसमें लिख देते हैं 1 plus root 5 plus x minus a divided by x minus 4, limit x tends to 4, this has to be equals to right hand limit जो कि b है। अगर x 4 करते हैं तो ये हो गया 3, root 4 is 2, x 4 क्या 3, 3 plus 1 is equals to 4, okay 1 plus 3 root minus a equals to x minus 4, that is 2 minus a equals to x minus 4, इसमें limit x tends to 4, ये तो infinity जा रहा है, then इसको भी means this is going towards 0, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, otherwise तो define नहीं करेगा, so a has to be 2, so a की value वहाँ पे कर देते हैं 2, so root 1 plus root 5 plus x minus 2 divided by x minus 4, limit x tends to 4, now this is 0 by 0 form, rationalize कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1 plus root 5 plus x minus 4, a plus b into a minus b, तो this is square minus this is square, x minus 4, इधर क्या आएगा root 5 plus x, root plus 2, limit x tends to 4, so यहाँ पे क्या हो गया 1, अच्छा this is again 0, this is 0 by 3, this will approach towards 0, ये क्या हो जाएगा, this is 3 plus 1 is 2, 4 हो गया, so 1 by 4, limit x tends to 4, root 5 plus x minus 3 divided by x minus 4, अब इसमें आओ LHospital यूज कर दो, 2 root 5 plus x into 1 by 2, x 4 अप्लाई कर देंगे अगर तो ये क्या आएगा 1 2 4 3 into 1 by 2, so the value is 1 by 12, that is b, and a is 2. So what is AB? AB is 2 into 1 by 12, that is 1 by 6, and hame 1 by AB pucha to answer is 6, okay, bas process ke saath se kar raha hai uska answer. So we have the last question now, P1 is this, P2 is this, where omega is non real root of, okay, means omega is non real means 1 nahi hai, so omega and omega square is equal to P1, P2 पूछा गया, P1 क्या है, this is in GP, first term is 1 and common difference is omega by 2, so 1 minus r, what is P2, P2 is 1 minus omega square by 2, so P1, P2 may see, what is P1, P2, 2 divided by 2 plus omega, 1 minus omega square by 2, 2 से 2 या 1 minus omega square, 1 plus 2 को 1 plus omega लिख सकते हैं, 1 minus omega square, 1 plus omega क्या होगा minus omega square,
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो, सो वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो वन हो गया। सो आंसर इज वन। ठीक है, दैट एंड्स ऑफ द स्टेप 19।